Shantif, you want to connect and want to give a message. You're making a Wands, Queen of Wands, Empress, or Hermit. Shantif, you want to connect and want to give a message. Let's see. 10. ओके, आई कैन सी एम्प्रेस, मुझे एम्प्रेस दिखाई दे रही है और 10 ऑफ सोड्स है. मैं एक बार और चेक करूंगी, बट 10 भी है और एम्प्रेस भी है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइफ और एक्शन दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है. मैं एक चीज डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि हायरोफेंट जो है, मतलब जो अथॉरिटीज, पावर, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी, आप जैसे भी इसको लो, ये फुल एक्शन में है इस टाइम पे. और ये फुल एक्शन मोड इस तरह का है जहां पर मल्टीपल जगहों पे एक्शन जो है वो दिख भी रहा है, अभी और दिखने वाला है और पावरफुली दिखने वाला है. और यहाँ पर मुझे मतलब लिटरली ये साइन मिकी माउस नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ दिस होल एक्शन इज सुशांत. और यहां पर एक एंगल है जो अभी तक खुला हुआ है, विच मींस दैट 1 2 3 4 आउट ऑफ 5 चार एंगल्स जो हैं उनमें से दो ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं. मतलब दो एंगल्स में या दो जगहों पे या दो तरह के सिचुएशंस पे ऑलरेडी आग लग चुकी है. ठीक है, द थर्ड वन विल स्टार्ट बर्निंग वेरी सून, क्योंकि यहाँ पर मुझे हल्की सी फायर आपको दिखाई देगी. द फोर्थ वन, यहाँ पर भी एक साइड पे फायर दिखाई दे रही है, एक साइड पे नहीं, विच मीन्स दैट यहाँ पर भी एक पार्टी या एक पर्सन पे एक्शन शुरू हो सकता है. और जो फिफ्थ वन, ये थोड़ा सा लूज एंड है और यहाँ पर लूज एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक एक्शन शुरू होगा लेकिन कोई निकल जाएगा यहाँ से. मतलब समबडी विल बी स्टिल सेव्ड, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग. So you see this energy here, so not for long, but strife की energy है और rest from strife की energy है. So if you see दोनों energies एक साथ आई हैं, and it is basically saying that full action है. और unless ये जो पांच angle हैं, मतलब star के जो पांचों corner हैं, ये अच्छी तरह set नहीं हो जाते हैं, इन सब जगह अच्छी तरह action नहीं हो जाता है, तब तक there will be no rest from strife. तो it is looking like आपको एक के बाद एक action जो है देखने को मिलेगा, देखने को. और just let me pull out some cards once again. वो उसको मैंने दिया है खाने को, don't get worried, वो उसको और थोड़ी देर में यही होता है. okay, so again action की energy है undoubtedly, and it is saying that rest from strife is only going to happen जब पूरा action जो है complete हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है that सुशांत is giving that energy that there is lot of action coming our way, just keep juggling, just keep looking for it, just keep balancing yourself, क्योंकि full on action है. and again जो लोग literal action की wait कर रहे हैं सिर्फ सुशांत केस पे, उनको आज नहीं तो कल समझना होगा दैट मल्टीपल केसेस वो सब उसके साथ रिलेटेड है. और सुशांत ने वो एनर्जी दी है, लाइक मुझे लिटरली मिकी माउस सुशांत दिखाई दिया, बट सुशांत ने वो एनर्जी दी है दैट आई एम द सेंटर ऑफ ऑल दीज एक्शंस. और यहाँ पर एक लूज एंड है अभी भी जिसको टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वहां से अभी भी कोई निकल जाएगा. एंड आई थिंक वर्क इज बींग डन फॉर दैट. सो लिटरली उस एंगल पे भी काम हो रहा है एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग आर वे. लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उस कम्युनिकेशन को आने में. 7-11 की एनर्जी है, कम्युनिकेशन है अनडाउटेबली, और 7-3-10 भी होता है, बट कम्युनिकेशन है अनडाउटेबली, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त लग रहा है आने में. और एम्प्रेस, आई जस्ट वांटेड अनदर कॉन्फर्मेशन, मैंने बोला कॉन्फर्मेशन तो दे दो, तो एम्प्रेस मुझे दिख गई. और ये एक्शन जो है ना, ये किसी और एंगल में भी अब जाने वाला है. सो मतलब Let me pull out one two more cards. जो जिस एंगल में एक्शन ऑलरेडी चल रहा है ना, इट इज गोइंग टू गो इन टू अनदर डायरेक्शन. सो लेट सी कि कौन नए एंगल में एक्शन के अंडर. 47, आई कैन सी 47. सो ओके सुशांत, वट नेक्स्ट. Ace of Pentacle, Ace of Swords, definitely two aces. वो बहुत clear indication है that a new, see if you see this card, यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर there is a magician right in the center, red hood में, और यहाँ पर बहुत सारे hoods में बहुत सारे जो उसकी soul family है या उसके साथ related लोग हैं जो divinely guided हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इन्होंने sticks पकड़ के रखी हैं, wands पकड़ के रखे हैं. so basically they are the ones जो उस guided energy में है. यहाँ पर बहुत सारा
सारा धुआं है, मतलब ये पायस एरिया है और यहाँ पे वन इज ऑलरेडी देयर, द सन इज शाइनिंग ब्यूटिफुली एंड द रेस्ट आर कमिंग। और यहाँ पर इफ यू सी तो जितनी भी आपको दिखाई देंगी ना चीजें, वहां पर एक स्पेशल स्वोर्ड होती है, जितनी भी आपने स्टोरी सुनी होंगी वो होंगी, वो एक स्पेशल स्वोर्ड होती है जो किसी जगह पे दबी होती है, और फिर जब वो स्वोर्ड जो है स्पेशल मिल जाती है तो बुराई जो है वो खत्म हो जाती है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वोर्ड, इट इज लाइक द मैजिशियन इज गाइडिंग यू, देर इज अ सेट ऑफ पीपल जो मैजिशियन के पीछे चल रहे हैं और उस अवेकनिंग की एनर्जी में जा रहे हैं, एंड दैट स्वोर्ड, उसके आसपास की बर्फ जो है पिघल रही है, द टाइम इज कमिंग टू पिकअप दैट स्वोर्ड, एंड डेफिनेटली मल्टीपल एक्शन एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड मेरे हाथ में रह गया और दो नीचे आ गए। नाउ इफ यू सी हियर, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ओल्ड पास्ट, एंड दिस पर्सन इज अलोन, आग जो है लगभग बुझ चुकी है, बारिश हो गई है, हो रही है, दिस पर्सन इज नॉट रियली सैड, आई अगेन सी 47, और ये सैड नहीं है, और मून जो है वो चमक रहा है। दिस इज फाइव ऑफ पेंटिकल, लैक ऑफ समथिंग, लेकिन स्टिल दैट एनर्जी जहां पर लैक विल बी फुलफिल्ड, एंड इफ यू सी देयर इज एस ऑफ फायर, तो यहाँ पे जो आग बुझी है उसको दोबारा जलाने के लिए मशाल जल चुकी है। नाउ व्हाट बेटर कैन आई से, मतलब लिटरली 5, 6, 7, 8 और 1 ace, 2 ace, 3 aces साथ में, और इट इज सेइंग दैट जो भी आग बुझ चुकी है उसको जलाने के लिए फायर भी है, एंड देर आर सम पीपल हु आर वेटिंग टू बी रेस्क्यूड, उनका रेस्क्यू भी है, एंड देर इज अ न्यू एक्शन ऑल्सो, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग। नाउ यूनिकॉर्न पे है, सफ़ेद घोड़े पे है, एक वॉरियर है और उसके पीछे वॉन्ड है, उसके आसपास एंजल्स हैं। नाउ व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर, मतलब लिटरली, एंड ही इज सेइंग वन मोर, गिर गया है, इट इज़ हियर द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर भी मधुमक्खियाँ किंग ऑफ कप्स के आसपास मंडरा तो रही हैं, लेकिन उसको काट नहीं सकती हैं, सिर्फ शहद दे सकती हैं, और शहद डायरेक्टली किंग ऑफ कप्स के कप में आ रहा है। डेफिनेटली सम वेरी स्ट्रांग एक्शन, जिस एक्शन में फोर्स, या जो नाइन ऑफ पेंटिकल, यस, सम वेरी स्ट्रांग एक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, जिस एक्शन में फोर्स या डिफेंस या आर्मी या पुलिस या कोई एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व होगी, और मतलब लिटरली प्रूफ्स जो हैं या एक्शन जो है वो उनके कप में आके खुद गिरेगा। मधुमक्खियां बहुत भिन बनाएंगी, जो भिन बना रही हैं अभी भी, बट दे विल नॉट बी एबल टू लिटरली चेंज एनीथिंग। नाउ इफ यू सी, एक केस बचा था वो भी आ गया, एंड समबड़ी जो पानी में डूबा हुआ था उसको लेके बाहर आ रहा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर रुइंस आर कमिंग आउट ऑफ दैट। सो मतलब लिटरली लोटस ही लोटस है, वन ही वन है, वन 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 की एनर्जी है, एंड इफ यू सी दिस तो यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे फाइव है, 10 की एनर्जी है, फिर से वन बन जाता है, और दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से 8, फुल स्ट्रेंथ और पावर की एनर्जी है, एंड इट इज लाइक समथिंग happening in full strength, lot of new things will be seen, some people will be rescued, makhiyan bahut bhin bhin aayengi, lekin result jo hai fir se wahi hoga, shahad jo hai wo cup mein aayega, illusions and intuitions both are going to pay off, illusions going to go away, and hermit, see, so there is very clear energy of who, there is an energy of chariot, जो अपनी energy लेकर आगे जा रहा है chariot, लेकिन उसके पीछे कौन है, उसके पीछे magician है, और magician को कौन guide कर रहा है, magician को hermit guide कर रहा है, this is a step by step energy of king of swords, like, so this is like action energy, जब सुशांत king of swords देते हैं, that is like I am in action mode right now, and queen of cups है, definitely emotions की energy भी है, but this is inner strength also, so he is giving a clear indication that मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी में हूँ, दो आई एम स्टिल हिडन एंड आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट सी मी डायरेक्टली, बट देर इज दैट गाइडिंग लाइट दैट इज देयर, एंड वी आर गोइंग टू डिफीट ऑल द एनिमीज। नाउ दिस इज लाइक रियली रियली वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल मैसेज। मेरे को एक कार्ड और कहीं से निकालना है, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग हिज कार्ड, मीन्स देर इज समथिंग मोर टू इट, सो लेट मी सी वट मोर। ओके, नाउ मैंने तो कुछ और कार्ड को हाथ लगाना था, पर दूसरा कार्ड अपने आप ही हाथ में आ गया, तो आई एम गोइंग टू टेक अ कार्ड फ्रॉम हियर, लेट्स सी ही वांट्स टू से समथिंग प्रोबेबली। ओके, सो सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से? ओ गॉड,
मैंने कार्ड्स और पीछे से वो डोरेमोन बोल रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ. पीयू वो देख रही है. सो दिस इज बेसिकली सेइंग देयर इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के साथ में देयर इज एन एनर्जी ऑफ इंस्टिंक्ट. सो यू विल ऑल यू ऑलरेडी हैव एन इंस्टिंक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग योर वे. आपको ऑलरेडी हंच है कि क्या कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है. और दूसरा बोलता है नेचुरल वर्ल्ड देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द नेचुरल वर्ल्ड. ग्रेटिट्यूड जो है वो नीडेड होगा अनडाउटेबली. यूनिटी इज कमिंग एंड इफ यू सी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल बुद्धा एनर्जी और कल की एनर्जी दोनों आपको दिखाई देगी. करेज एंड सेफ्टी. सो यूनिटी करेज एंड सेफ्टी ऑल द थ्री थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एंड दिस इज बेसिकली सेइंग कि जो आपकी इंस्टिंक्टिव आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोल रही है वही कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ रही है. और उससे क्या होगा उससे नेचुरल वर्ल्ड में भी जो एनर्जीज हैं उनमें भी स्टेबिलिटी आएगी. देर इज गोइंग टू बी ग्रेटिट्यूड द एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड पेइंग ऑफ ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी. देर इज यूनिटी देर इज करेज देर इज सेफ्टी. सो सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और वो एक साथ मिलकर जो काम करेंगे वहीं से उसी करेज से जो सेफ्टी की एनर्जी है दैट इज गोइंग टू कम इन. एंड देर इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ अ स्ट्रांग व्हेन कैन वी मैंने बोलना था व्हेन कैन वी सी. सो इट्स 10. वाओ इट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 10th अप्रैल. मतलब लिटरली मैं ऐसे इतनी जल्दी डेट्स नहीं बोलती हूँ बट इट काइंड ऑफ व्हेन आई सेड व्हेन कैन वी सी समथिंग एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया लाइक इमीडिएट मेरे मन में यही वो आए डेट आई मतलब बिल्कुल क्लियर डेट आई राइट. एंड दिस इज बेसिकली अगेन 10th अप्रैल एंड दिस इज बेसिकली सेइंग स्लीपलेसनेस से मैजिशियन की एनर्जी जो कि विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड समय से पहले किसी पे एक्शन होगा और वो जो है दिस इज डेफिनेटली टाइम बाउंड जो कहीं छुपा हुआ है जिसको बाहर निकाल कर लाया जाएगा. एंड देन देर विल बी लाइक द सेविंग एनर्जी. सो देर इज समबडी हु नीड्स टू बी सेव्ड अनडाउटेबली. किसी को सेव करने की एनर्जी है. स्ट्रेस की एनर्जी भी है लेकिन मुझे लिटरली जिस तरह से एनर्जीज दिखाई दे रही हैं दिस इज गिविंग अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. दिस इज ऑल्सो 10, 9+1, 10 होता है. दिस इज ऑल्सो 10, 4 है. 4+6 ऑल्सो 10 और स्टार कार्ड है जो कि नंबर 18 होता है तो 9 बनता है. तो मतलब लिटरली 10 की एनर्जी जो है वो सुपर स्ट्रांग आ रही है. एंड 10 आई थिंक आ रहा है. 10 इज नॉट फार. सो 10th मार्च इज ऑल्सो नॉट फार. 10th अप्रैल इज नॉट फार ऑल्सो. बट ही सेइंग दैट वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशन विच इज गोइंग टू बी लाइक सुपर पावरफुल एंड देन ऑल एस एनर्जीज टुगेदर. सो उससे ज्यादा तो पावरफुल कुछ नहीं हो सकता. एंड देन देर इज 9 of cups इज विश फुलफिलमेंट. इट इज सन कमिंग एंड द एम्परर टेकिंग द एक्शन एंड इट विल इंक्लूड सम काइंड ऑफ अरेस्ट ऑल्सो. आई कैन सी हिम बट आई विल जस्ट आस्क हिम इफ दैट इज इट और इफ देर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वॉन्ट्स टू से. ओके चंद इफ दिस इज इट यू कैन शो मी किंग ऑफ वॉन्ड्स. इफ देर इज मोर यू कैन लेट मी नो. ओ गॉड कार्ड्स जो है ना कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे जंप करते हैं. इट इज पीस एनर्जी. दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट बी स्ट्रांग समथिंग सम वेरी स्ट्रांग कम्युनिकेशंस आर कमिंग. तो वो बोलता है कि ब्लाइंड फोल्ड्स उतरने वाले हैं और कुछ बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस आने वाली हैं. दिस इज शोइंग अ जजमेंट जो कि बहुत अवेटेड है बहुत इवेलुएटेड है और अवेटेड है. दिस इज शोइंग समबडी हु विल वॉक टुवर्ड्स डेथ. सो लिटरली डेथ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. एंड देन विद दैट डेथ देर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड कनेक्शंस दैट इज गोइंग टू ओपन अप. और उसके बाद देर इज गोइंग टू बी लाइक अ बैड ड्रीम फॉर समबडी. कुछ लोगों का बैड ड्रीम खत्म होगा. एंड देन देर इज लाइक दैट मशाल जो कि एक नया चैप्टर जो है ओपन करेगी. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अनडाउटेबली लाइक इट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गोइंग टू जेल एनर्जी. मतलब लिटरली मुझे वही दिखाई दे रहा है. और इतने कार्ड्स आए. सुशांत स्टिल डिड नॉट गिव हिज कार्ड अनलेस आई मिस्ड इट. बट आई थिंक देर इज समथिंग मोर टू इट. मैं पहले गीता कार्ड उठाने लगी थी. आई मिस्ड दैट. आई डिड नॉट पिक दैट. सो लेट मी पिक गीता कार्ड ऑल्सो. So, and the message is definitely super clear. The message is super clear. Sushant. Oh God. Okay, let me see. What do we have? Okay. This is Master of Mystics. और ये जो एनर्जी है ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और मोरालिटी की. जहाँ पर एक्चुअली अर्जुन जो हैं वो निशाना लगा रहे हैं. और मैं चैप्टर 18 वर्स 78 की एनर्जी है. यहाँ पर भी 9 और 5 की एनर्जी बनती है. और दिस इज़ लाइक
द सुप्रीम आर्चर विल ऑलवेज हैव विक्ट्री. दिस इज चेंजिंग बॉडीज और ये एनर्जी है जहाँ पर 222 की एनर्जी 222 की एनर्जी बनती है. दिस इज लाइक ओल्ड से नई बॉडी में आना और दिस इज लाइक आर्चर का निशाना जिससे बॉडीज चेंज होंगी. फॉल फ्रॉम ग्रेस, दिस इज द एनर्जी जहाँ पर कुछ लोग शायद बहुत अच्छी एनर्जी में होने की प्रिटेंडर्स है. सो प्रिटेंडर्स विल फॉल फ्रॉम ग्रेस एंड देन द रेयर सोल्स विल कम अप. सो दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी. लाइक ही इज लिटरली गिविंग दैट ब्यूटिफुल मैसेज. और ये जो है 262-63 है विच इज लाइक 89-289 एंड दिस इज 36 एंड ये लास्ट जो है रेयर सोल्स दिस इज 73 10 की एनर्जी फिर से. एंड ही इज सेइंग दैट एक निशाना लगना बाकी है. वो निशाना जब लगेगा तो कुछ लोगों की बॉडी जो है चेंज होगी या कुछ लोगों की सिचुएशन चेंज होगी या जैसे आप प्रिटेंडर्स को देखते आए हो उनकी एनर्जी जो है क्लियर दिखाई देगी. एंड सम पीपल आर गोइंग टू सम प्रिटेंडर्स आर गोइंग टू बी फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेस. मतलब वो बिल्कुल रियलिटी चेक की एनर्जी में आएंगे, हमें दिखेंगे एंड दैट्स व्हेन जो रियर सोल्स है वो अपने कृष्ण से मिलेंगी. तो सुदामा कृष्ण का मिलन जो है वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एंड ही इज गिविंग दैट एनर्जी सुपर क्लियर दैट इट इज गोइंग टू बी देन मीटिंग टाइम. एंड लेकिन उस मीटिंग टाइम के लिए डेफिनेटली देर इज स्टिल टाइम. देर इज डेफिनेटली स्टिल टाइम एंड आई वॉन्ट टू आस्क हिम हाउ मच टाइम बिकॉज इट इज लाइक इट इज आई एम स्टिल देर. मैं यहाँ हूँ अभी भी आपके आसपास ही लेकिन आई एम हिडन. यू कांट सी मी बट दैट्स व्हेन यू विल सी मी सुपर क्लियर. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड सुशांत इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी काइंड ऑफ व्हेन. आज तो ऐसे लग रहा है जैसे सुशांत ना सारे कार्ड्स बाहर निकाल देंगे. मतलब लिटरली ऐसे ही लग रहा है जैसे सारे कार्ड्स जो हैं आज बाहर निकल जाएंगे जितने भी हैं कार्ड्स. सो इट इज़ लाइक व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हेन डू यू लाइक विल यू मीट अस व्हेन. द एनर्जी इज दिस इज सो मच ऑफ 11 एनर्जी. सो दिस इज 11 दिस इज 12 दिस इज 5 सो दिस इज एक्चुअली 2 3 5 2 and 7. Okay, so this basically is saying that so when ki energy mein he is saying that there are still things that need to come up. He is waiting for some action. Jo maine bola ek loose end uska tight hona zaruri hai, wo thieves ka pakde jana zaruri hai. And when that happens post that is when the past comes back and wo jo heartbreak ki energy aur wo mujhe lagta hai safed daadi wale baba ji will be involved in that. Matlab wo jo wapas aane ki energy hai safed daadi wale baba ji will be involved in that and wo past coming back jo hai wo usi ke baad hoga. But you will have to keep a strong heart. I can see 17. You will have to keep a strong heart, a strong energy. The world is going to see him, but it is going to take time. Now, I can see him. So that is it, and he's with the victory card. So it is 11. He's with the victory card. So all I would want to say is that कुछ किसी चीज के लिए इंतजार हो रहा है और इतने सारे एसेज हैं जो एक्चुअली बोल रहे हैं कि जिसके लिए भी इंतजार हो रहा है वो डेफिनेटली होने को है. और मैंने आपको दो डेट्स बोली, 10th March 10th April. 10th April की तो बहुत क्लियर आई है एंड दैट्स द एनर्जी दैट यू विल हैव टू वेट फॉर. एंड दिस इज लाइक सक्सेस इन योगा, दैट इज वेन द सक्सेस कम्स एंड दिस इज प्रोटेक्शन. सो सक्सेस एंड प्रोटेक्शन दोनों की एनर्जीज हैं. और दिस इज 94 बाय द वे, 94 8 9 10 11 12. दिस इज 5, दिस इज 94 अनडाउटेबली. सो या सो thank you so much guys and I hope something helped you and shamim